कंडाघाट के वाकनाघाट में दुग्ध एकीकृत केंद्र में दुधारू पशु सुधार सभा सोलन के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुधारू पशु सुधार सभा सोलन के चेयरमैन रविंद्र परिहार ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शिविर में उपस्थित पशुपालकों को दुधारू पशुओं के उचित रखरखाव, प्रजनन और जनन संबंधी जानकारी दी। कंडाघाट के वाकनाघाट स्थित दुग्ध एकीकृत केंद्र में गुरुवार को दुधारू पशु सुधार सभा सोलन के तत्वावधान में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पशुओं में लगने वाली बीमारियों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान दुधारू पशु सुधार सभा सोलन के चेयरमैन रविंद्र परिहार ने प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेकों योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि वे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी व उत्तम नस्लों के पशुओं को पालना चाहिए। इस मौके पर पशुपालन विभाग से आए चिकित्सक ने भी पशुपालकों को संबोधित किया और इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बूढ़े हो चुके गौवंश को सड़कों पर ना छोड़ें बल्कि उन्हें उचित आश्रय दें। दुधारू पशु सुधार सभा सोलन की ओर से आज वाकनाघाट में दुधारू पशुओं के प्रजनन, दुधारू पशुओं के रख रखाव के बारे में एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पशुपालन विभाग की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो समय समय पर पूरे जिले के अनेक पंचायतों में जाकर जानकारियां देते हैं और पशु दुधारू पशु सुधार सभा क्या क्या काम आम जनता के लिए कर रही है उसके बारे में भी विचार विमर्श करते हैं। तो आज यहाँ पे वाकनाघाट में बड़ी अच्छी तादाद में हमारा जो दुधारू पशु से संबंधित लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जो इस सोलन शहर के लिए ताज़ा दूध, अच्छा दूध, पौष्टिक दूध का जो हमें वितरण करते हैं। वाकनाघाट में हमारी बीएमसी है जहाँ से रोजाना हमें 4-5 क्विंटल दूध मिलता है, जो ताज़ा दूध सोलन शहर में आम नागरिक के लिए संस्था वितरित करती है। दुधारू पशु सुधार सभा का अपना जो 4-5 बीएमसी है वहाँ से बहुत अच्छी तादाद में कहीं से 4 क्विंटल, कहीं से 2 क्विंटल, कहीं से 3 क्विंटल दूध पहुँचता है और वो पाश्चराइज करने के बाद हमारी दुकान के माध्यम के से और सुबह हमारी गाड़ियां शहर के अनेक भागों में दुग्ध वितरण का कार्य करती। शिविर में दुधारू पशु सभा के अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।